अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आपके सफ़र YouTube चैनल पे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर कतर से साथियों आ रही है, दोहा फेस्टिवल सिटी दोस्तों वहाँ पे लगाया गया है, चौथा एडिशन इस बार चल रहा है, जिनके स्पॉन्सर जो है वो ईगो डॉक्टर सेसेंट हैं, जिन जो फिलीपींस से ताल्लुकात रखते हैं, और सॉप कतर जो है वो भी इसमें दोस्तों बहुत ही बड़े स्पॉन्सर इसमें रहे हैं। ये मॉल ट्रेडिंग आवर में चलेगा 1 तारीख से लेकर 18 मार्च तक। तो जो भी आप लोग जाना चाहते हैं दोहा फेस्टिवल सिटी तो जा सकते हैं। इस चौथे बार इस बार लगाया गया, यानी 4 सालों से लगातार ये लगाया जा रहा था। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, यदि आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर जा सकते हो और बहुत सारी चीज़ों को आपको देखने का वहाँ पर मौका मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही। तो दोस्तों, कतर के कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से एक अनोखी चीज़ को पकड़ा गया है, नारकोटिक सब्टांस को। दोस्तों, ये अनोखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कैंडी में, यानी चॉकलेट में, इसे छिपा के लाया जा रहा था। लगभग 453 नारकोटिक्स पिल्स मिले, यानी कैप्सूल मिले हैं, जो कि एक साथियों जो चॉकलेट होता है उसमें छुपा के लाया जा रहा था। पर साथियों, मैं आपको बता दूं, कतर में किसी भी तरीके से यदि आप ले जाने की कोशिश करते हो तो आप नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि कतर की जो सेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। यानी जब स्कैनिंग की जाती है तो स्कैनिंग के दौरान किसी भी चीज़ में यदि आप छुपा के ले जा रहे हो तो पक्का पकड़े ही जाओगे, बचने का कोई रास्ता आपके पास नहीं रहेगा। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही साथियों, यदि आप कतर में ब्लड डोनेट करते थे तो दोस्तों इसके एड्रेस को चेंज कर दिया गया है। ये पहले मेन ब्लड डोनेशन सेंटर में था, पर इसे हटाकर अब कर दिया गया है वेस्ट एनर्जी सेंटर बिल्डिंग पहले फ्लोर पे। तो जो भी आप लोग ब्लड वगैरह डोनेट करना चाहते हो तो वहीं पर आप चले जाइए, वहाँ जो पहले का एड्रेस था उसे रिमूव कर दिया गया है। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है कतर चैरिटी की तरफ से आ रही। तो दोस्तों, कतर चैरिटी के बारे में आप जानते होंगे, कतर की बहुत ही बड़ी संस्था है जो लोगों की मदद करती है, डोनेशन देती है और बहुत सारे लोग वहाँ गरीब गुरबा देश को मदद करती है। तो दोस्तों, कतर चैरिटी की तरफ से पाकिस्तान में एक ऑर्फेंज हॉस्टल बनाया गया 50 बच्चों के लिए, यानी 50 जो अनाथ बच्चे होते हैं वहाँ पे उसे रखा गया। पूरा देखभाल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पढ़ाने का खर्चा, जितनी भी खर्च आएंगी वो सभी कतर चैरिटी के तरफ से वहाँ पे उठाया जाएगा। तो लगातार साथियों, कतर चैरिटी लोगों की मदद करते हुए आ रही है, तो फिर इस बार पाकिस्तान को मदद किया। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।